लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एसीपी शर्मा, आज 28 साल हो गए मेरे पिताजी की बरसी को और सिर्फ 28 दिन लगे तुम्हारी वर्दी उतरने में। तूफान, फिकर क्यों करते हो शर्मा साहब, उसे भी उसके बाप के पास भिजवा देता हूं। जग्गा, बोलो यहां से कब रिहा हो रहे हो? कल। बाहर जाके तुझे इन साहब का एक काम करना है। कीमत 25,000। किस को खत्म करना है? तूफान को। कहां मिलेगा? कल रामपुर में चौधरी साहब की बेटी की शादी है, तुम उसे लूटना और साथ साथ यह अफवाह भी फैला देना कि तुम हनुमान प्रसाद के कातिल को जानते हो। तूफान खुद बखुद तुम्हें ढूंढता हुआ वहां आ जाएगा। लूट लो। जब जुल्म की आंधी बढ़ती है उसे रोकने के लिए एक तूफान आता है। कातिल के बारे में क्या जानता है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तो अफवाह क्यों फैलाई थी, बोल। बताता हूं, बताता हूं। आया,
बता दो, मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा, मुझे छोड़ दो। पान भैया, आपने हमारी इज्जत और हमें लूटने से बचाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भेजा हुआ बेरंग पोस्टकार्ड जो आपके पास वापस आ गया है। क्या मतलब? मतलब तो यही बता सकता था, लेकिन बताने से पहले इस कमीने ने अपना दम तोड़ दिया और एक बार फिर मेरा शक सबूत में बदलते बदलते रह गया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यह चाहता हूं कमिश्नर साहब कि जितना मुझे अपने बाप की बेगुनाही पर यकीन है उतना ही तुम्हारे काले करतूतों पर शक है, लेकिन अफसोस मेरे पास कोई सबूत नहीं और कानून सबूत मांगता है जिसे एक न एक दिन मैं हासिल करके रहूंगा। तुम एक पुलिस ऑफिसर का अपमान कर रहे हो। मेरा बाप भी एक पुलिस अफसर था कमिश्नर साहब, उन्होंने मुझे कानून की इज्जत करना सिखाया, वो भी यही खाकी वर्दी पहनते थे जो इस वक्त आपने पहन रखी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी वर्दी से ईमानदारी और सच्चाई की खुशबू आती थी, आपकी इस वर्दी से बेईमानी की बू आती है। एक पुलिस ऑफिसर पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं तुम्हें बंद कर सकता हूं। और आप कर भी क्या सकते हैं? एक दिन आपने मेरे बाप की फाइल बंद कर दी थी, आज आप मुझे बंद करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कमिश्नर साहब, जिस वर्दी की वजह से आप मुझे धमकी दे रहे हैं उसे उतरने में सिर्फ 25 दिन रह गए। जिस दिन ये 25 दिन पूरे हो गए उस दिन पूरा होगा मेरे जीने का मकसद। दो चार छड़ियां ना पड़ जाए, इसकी तो आंख ही नहीं खुलती। अरे शामू, शामू उठ, शामू शामू उठ ना, फिर भाग गया जादू का तमाशा करने। शामू, अरे ओ शामू, मजी आ गई। अच्छा तो यहाँ ये जादू दिखा रहा है? ठहर तो, ए, कौन है? उस्ताद बाहर निकलो, मजी आ गई। माँ, ओरे ओरे बाप रे, तुझसे मना किया है जादू का खेल मत कर, मत कर, मजा लेके मान जाए, घर चल तो सही। आज से तेरा खाना पीना सब बंद, घर के अंदर बंद चलो, पूरी छोड़ दिया, छोड़ दिया। माता तुम्हें, माता चपिता तुम्हें, अरे फिर आ गया, ये डिब्बा लेकर आ गया। इस डिब्बे के अंदर तू बंद होगा, इस डिब्बे के अंदर बंद होगा तू, इस डिब्बे का खेल करेगा। माफ कर दे, मैं डिब्बे में फिर कभी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। लेकिन उससे पहले तो मैं तेरी टांगें तोड़ूंगी, फिर घर से बाहर निकल ही नहीं सकेगा तू। अरे अरे माँ, तेरे हाथ में साहब, अरे भाग ले बेटे। तू भाग, तू निकल, ऐसे निकल, माँ का पारा चढ़ गया। शामू, घर तो आ, बांध के रखूंगी, बाहर नहीं निकलने दूंगी तुझे। सारे खेल का बंटा ढाल हो गया, माँ ने आकर के मामला चौपट कर दिया, एक हाय इंटरवल में आकर के आज दी एंड लगा दिया। अरे बड़ी मुश्किल से तो आज 100 मिला था, लेकिन लेकिन माँ हमारी बात समझती नहीं। अरे ये लीजिए। शुक्रिया। उस्तादों से उस्तादी, हाथ अंदर और बटुआ बाहर। क्या मतलब? छोड़ मेरा हाथ। इस हाथ में थोड़ी सफाई कम है मेम साहब, इसी तरह प्रैक्टिस करती नहीं ना तो या तो सफाई आ जाएगी या अंदर हो जाएगी, समझी? क्या बकवास कर रहा है? इस नो एंट्री एरिया में से बटुआ निकाल। कैसा बटुआ? किसका बटुआ? शर्म नहीं आती एक शरीफ लड़की से ऐसे बात करतू है? अरे बटुआ निकाल, निकाल। एक चवन्नी छाप करके कभी बटुआ देखा है अपनी जिंदगी में? अच्छा, ऐसे नहीं निकालेगी, मैं निकालता हूँ। नहीं भैया, कुछ ऐसी बात नहीं है। अरे 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 ए, 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 अरे देखो, अरे ए, ए, देखो हाथ ले लगाना। अरे रिक्शा, रिक्शा कहाँ जाना है? बस सुबह चलो। अच्छा बैठो जल्दी। देखो भैया, अरे अरे तेरी, अरे साला कड़का, 6 रुपए के लिए इतना ड्रामा कर रहा था। आपने मुझसे कुछ कहा?
नहीं नहीं, वो 6 फुट का लंबू पुल पर मेरे पीछे पड़ गया, अकेला देखकर हाथ पकड़ लिया, मैंने भी उसे पब्लिक के हवाले कर दिया। मगर वो था कौन? था कोई कार्टून, कोई जादूगर मदारी लगता था। अरे लड़की तो सटक गई और मैं अटक गया। हाय आइए आप, आइए आइए, यही है क्या? आए, अरे बाप रे। हाँ हाँ वही है, चलो। ऐसा झापड़ मारूंगा इसको, सुकड़ के 6 फुट तक 6 इंच का हो जाएगा। अभी जो होना था हो गया, लफड़ा करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं लफड़ा फड़ा क्या, हमारे मोहल्ले में आके लड़कियों का छेड़ता समझता क्या? अरे एक को मारने 50-50 लोग चले आते हैं। अरे गो, अरे नो गो। अपने एरिया में लड़की लोग को छेड़ता है? चल आप लोग ऐसा कीजिए, आपस में ही ये मामला निपटा दीजिए, मैं जल्दी में हूँ, चलती हूँ। इसे तो अपने किए की सजा मिल गई, तुम्हें अपने किए की सजा कौन देगा? क्या मतलब? मतलब ये है मेरा दोस्त शम, और ये है मेरा दोस्त गोपाल, और ये है मेरा बटवा। ये ऐसे नहीं माने। 1, 2, 9, 11 निकल, निकाल दिया, फेंक दो नीचे। उतारो मुझे। चल निकाल, चल। बटवा निकाल, बटवा निकाल। अब की बार तुझे छोड़ रहा हूं, अगली बार इस इलाके में दिखाई दी ना तो पुलिस में दे दूंगा, समझी? चल निकल। जाती हूँ, कंजूस। चल जा जा, चल। देख ले बराबर है। हाँ ठीक है यार। यार मार खाने के बाद भूख बहुत लगती है, और आज तो घर पर भी खाना नहीं मिलेगा, तो कहीं चल के खा लेते हैं उसमें क्या? हे, ये 6.5 रुपए में 2 भूखों का क्या होगा यार? अरे तू काहे को फिक्र करता है यार, आज अपना धंधा बहुत तगड़ा हुआ है। क्या कह रहा है?